अभिषेक अच्छा नहीं है। ये जितना चाहिए अच्छा और कौन कौन है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे रिमशा नूर से थैंक्स अरे मैम जल्दी आ जाओ प्लीज मैम कितना लेट हो गया आप मैम सबको ही प्रतीक्षा करवा रही हैं अच्छा अच्छा हासिम ब्रो मेरा अच्छा और क्या क्या कह रहे बच्चे क्लास हो सकते अबे क्लास कैंसल हो जाए कितने बदतोज जा बच्चे क्या मैम वेटिंग फॉर यू अच्छा सिसोदिया तुम्हारे कितने आ रहे हैं मार्क्स अच्छा अच्छा सब कहाँ है मैम मैम आ गई मैम आप लेट हो <laughs> क्या क्या बातें करते हो तुम खुद में हाँ इतने देर से मैं तुम्हें तुम्हें ही तुम्हें ही देख रही हूँ यहाँ पे खड़े होते हुए क्या क्या बातें करते हो तुम लोग एक दूसरे से हाँ <laughs> कुछ भी हाँ जानते भी हो तुम अपने आप को एक दूसरे को जानते भी हो तुम इतना गुड इवनिंग एवरी बारी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल कैसे हो भाई तुम सब लोग कैसे हो बढ़िया महागौरी ऋतिक थिंक पॉजिटिव रानी निधि महेंद्र ओके ओके एवरीबॉडी गुड 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 इवनिंग 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 ऑल नहीं मैम ऐसे ही बोलते रहते हैं हम तो हाँ वही तो मैंने कहा बे यार इनको देखो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं बात तो ऐसे करते हैं लोग एक हाँ, दूसरे को और भी बच्चों कैसे चल रही है तैयारी तुम्हारी हाँ, हाँ? तैयारी कैसे चल रही है बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है हाँ? और भाई बच्चों हेलो नवनीत रिमशा सतीश अटेंडेंस लगा दी सबने अटेंडेंस लगा देना हाँ मैं देख रही थी कितने कम अटेंडेंस है हाँ इतने तुम लोग हो अटेंडेंस लगा रही तुम सबने देखो तो अरे इतनी कम अटेंडेंस देखो ढाई सौ के करीब बच्चा देख रहा है देखो तो बढ़ाओ भाई जितना जितना वॉचिंग है उतना होना चाहिए ये चलो हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए कहाँ से आएगी मोटिवेशन यहीं से आती है मोटिवेशन हाँ यहीं से आती है चलो 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 और भी कैसी चल रही है तैयारी दस में से नंबर दो अपने दस में से नंबर दो खुद को चलो सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट करो बच्चों दस में से नंबर दो खुद की तैयारी को चलो अच्छा मैम टुडे इज माय बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थ दस में से नंबर दो खुद को सात आठ दस दस में से दस नंबर अरे वाह मतलब कि अगले टॉपर तुम ही हो और और 9.7 10 5 5 अरे

बायोलॉजी में नाइन अच्छा ऐसा नहीं ओवरऑल दे ओवरऑल हाँ? चलो 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 नंबर दो खुद को फाइव सेवन एट 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 सात ठीक है सेल्फ असेसमेंट है ना उस, उसमें कोई चीटिंग मत करना वेरी गुड बच्चों वेरी 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 गुड तो सात नंबर तुमने दे लिया खुद को दैट इज नाइस और जिन बच्चों की भी तैयारी जैसी मर्जी चल रही हो आज मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालने वाली हूँ तुम्हारे लिए हाँ? आ, आ, क्या है हाउ टू डील विद द एग्जामिनेशन फियर उसको जरूर देखना मीनाक्षी मैम बायोलॉजी पे जब नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लेना उसको ठीक है फॉलो नहीं किया है तो अभी अभी फॉलो कर लो सब लोग आज मैं एक बहुत ही प्यारा मैंने कल तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई है कल तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने वीडियो का नाम है हाउ टू डील विद द एग्जामिशन फेयर जो इस पे हाँ मीनाक्षी मैम बायोलॉजी दिस दिस थिंग इज डेडिकेटेड फॉर यू गाइज ओनली हाँ मीनाक्षी मैम बायोलॉजी ये इंस्टा भी फाइंड आउट करना मुझे एम एन एम एम एन एम के नाम से मिल जाऊंगी मैं मीनाक्षी एंड मोटिवेशन मीनाक्षी and... मीनाक्षी एंड म्यूजिक है ना और भी बहुत कुछ है मीनाक्षी एंड माइंड माइंड एंड मीनाक्षी फिर हेल इज माई कप फिर अच्छा वो पहुंचा दिया है उसको हाँ oh, huh. ठीक है चलो सो वेरी गुड दैट वे दैट वे आई थिंक अभी हम लोग क्या करेंगे तो डीलिंग विद द एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग अभी अभी सेशन बस शुरू करेंगे बस दो मिनट का टाइम दो सो आई जस्ट नीड टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना विच इज एक्चुअली टू टॉक अलॉट बट लोग बहुत स्ट्रैटेजीज वगैरह के बात में बारे में बात करते रहते हैं ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं आई थिंक इट शुड बी टॉक्ड अबाउट डीलिंग विद द एग्जामिनेशन फेयर और वही जो पैनिक अटैक्स आते हैं उसके पहले एग्जामिनेशन uh, पहले सब सबको आते हैं यू आर नॉट द ओनली वन तो उनसे कैसे डील करना है तो वो तुमको ध्यान में रखना है आई कैन गारंटी यू आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो योर एग्जामिनेशन फियर वुड बी मतलब 10 में से नंबर में दूं तुम्हें तो कितना कम हो जाएगा 8 2% तो रहना चाहिए फियर इज नेसेसरी फियर इज लाइक अ सॉल्ट ठीक है उतना रहना चाहिए बट उससे बाद जो है वो तो नहीं रहेगा ठीक है ओके okay. ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों चलो चलिए भाई चलिए बच्चों फिर चलते हैं शुरू करते हैं फिर आज का सेशन एटी परसेंट फेयर आपका चला जाएगा उससे आई एम डैम श्योर अबाउट दैट आई एम डैम श्योर अबाउट दैट चलो चलो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर और आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है वेलकम टू द सेन जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं बेटा मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा एंड आई एम जॉलॉजी बहुत सारे बर, नो, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द पेपर जो है आपका एन सी ई आर टी से आता है लेकिन जो फाइव परसेंट पेपर होता है वो आपका आउट ऑफ एन सी आर टी आता है ना वट द हेल्ड इज दिस आउट ऑफ एन सी आर टी क्या मतलब क्या है इसका आज हम लोग मिले हैं उसी चीज के लिए और मैं आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये बताऊंगी कि आउट ऑफ एनसीआरटी का मतलब क्या है जिस वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मेरे 360 में से 360 नहीं आ सकते हैं आप आज देखोगे कि वो इतना टफ भी नहीं है क्यों यू विल सी इन दिस वीडियो वो एकदम भी टफ नहीं है दैट इज अमित विच इज बीन क्रिएटेड कि आउट ऑफ एनसीआरटी आता है आज देखते हैं उसको कि क्या होता है एक्चुअल में वो सो वेलकम एंड बच्चे मेरा नाम है अच्छा मैंने बता दिया अपना नाम है ना बार बार अपना नाम बोल रही हूं मैं. So, आज वन शॉट में हम लोग पी वाई क्यूज सोल्व करने वाले हैं इसमें से मैक्सिम पी वाई क्यूज आप देखना पहले ही सॉल्व कर चुके तो बेटा चैनल पे नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब तो जरूर कर लो ठीक है एंड के वी पी वाई के बच्चा टॉपर्स बच्चे हैं एकदम लॉर ब्रॉट लॉरल्स टू आवर वेदांत सो थ्री चेयर्स टू ऑल ऑफ देम थ्री चेयर्स टू ऑल ऑफ दे हमारे टॉपर्स बच्चे तो आप ये देख सकते हैं हमारे जो रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं बेटा वेदांतु ने है ना तो चलिए बच्चे आज हम लोग बात करते हैं अब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस -E आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस -E यस उन्नति यू कैन ठीक है ओके चलिए सो ऑल द वेरी बेस्ट सबको आई एम डैम श्योर अबाउट दैट दैट आपने ये क्वेश्चंस आज से पहले बहुत बार देखे होंगे बहुत बार देखे होंगे हमने सॉल्व भी किए हैं सो आउट ऑफ एनसीआर द होल क्वेश्चन माइट नॉट बी फ्रॉम आउट ऑफ एनसीआर बट सम पार्ट ऑफ दिस कुड बी आउट ऑफ एनसीआर लुक क्या होता है एनसीआर से बाहर आना और आप उसको सॉल्व करवाते नहीं सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल टाइप योर आंसर द चैट बॉक्स राइट चलो क्वेश्चन नंबर वन विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉर्निया लुक के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है आपको याद है ना हमने आई में पढ़ा ह्यूमन फिजोलॉजी जो वन शॉट किया है ओके अर्जुन okay. कह रहा है मैम ए अभिषेक ए सलोनी सी कह रही है सुजल कहता है मैम ए अच्छा ए ए यू श्योर अबाउट दैट हम्म विच ऑफ देक्ट करेक्ट हाँ ध्यान से देखना हम्म 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 सॉरी हा कौर्निया वंदना के लिए तालियां हो जाए कुछ कुछ वचन सिद्धार्थ के लिए तालियां हो जाए द बी वॉज द करेक्ट आंसर राइट right? पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं फिर एनसीआर के से रिलेट करेंगे इसको तो आप सब लोगों ने लिखा ए बट द करेक्ट आंसर वाज बी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान के चलू कि आपकी गलती मैक्सिम कहां होती है आपको पता ही नहीं चलता कि correct, uh, करना है या इन करेक्ट फाइंड आउट करना है दे यू गो मिस्टेक द बिगेस्ट मिस्टेक है आई बॉल स्क्रा का एंटीरियर पोर्शन है आसान हो जाते हैं एंड बट इट इज सेंसिटिव टू टच एंड पेन है ना टच एंड पेन के लिए ये सेंसेटिव है इज इट करेक्ट राइट ठीक है ओके okay. सो so, और बहुत कुछ है ठीक है वहां पे कॉर्निया का देंस कनेक्टिव टिश्यूफ द इलास्ट नो नो इट इज अन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेर विच इज हाईली वैस्कुलाइज गलत एकदम गलत वैसकुलाइज तो बिल्कुल भी नहीं होती है ये सो द बी पार्ट नाउ आपको लगा कि ये एनसीआर से बाहर का क्वेश्चन है और एकदम से आपने को ऐसी बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज पढ़ ली हो आपने ऐसा कुछ लगा आपको टेल मी आपको थोड़ा तो सा सोचना पड़ना था इसके बारे में द मोर करेक्ट आंसर जैसे ये और ये तो रूल्ड आउट थे बिकॉज इलास्टिन और बैस्कुलाइज आप रूल आउट कर सकते हैं यू वुड बीन कन्फ्यूज इन द फर्स्ट इन द सेकेंड ठीक है वो भी रूल आउट हो जाता कि कॉर्निया बिकॉज इट इज ए वैस्कुलर वो कभी भी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई तो हो ही नहीं सकता है इट इज सेंसिटिव टू टच एंड सी दिथ ब्रोकन हेयर इट इज आई टोटली अग्री की वर्डिंग थोड़ी सी इधर उधर है लेकिन ये कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीआर नहीं यू टू अग्री विद मिया कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीआरटी नहीं है राइट इट इज जस्ट की वो आपके एनलिटिकल स्किल्स को देख रहे हैं राइट हु टेक द बी वाला answer. बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जिस लोगों ने गलती की कोई बात नहीं तुमने सीखा है पे ठीक है Confidence नहीं करना सीखना होता सेकेंड क्वेश्चन okay, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट आपको पता ही रहा होगा कि ग्लूकोज GLUT जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक इट हैज अपीयरड ट्वाइस और थ्राइस आई थिंक सो दो या तीन बार आया है ये ध्यान से आंसर ध्यान से उत्तर दीजिए ध्यान से उत्तर दीजिए कभी ना पहुंचने से देर भली हां 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 आर यू श्योर आई यू श्योर सी है इसका करेक्ट आंसर सी है इसका करेक्ट आंसर देखो बेटा ग्लूकोज ग्लट वन ग्लट टू ग्लट थ्री ग्लट फोर एक ही है इसमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट है बाकी सब इंसुलिन इनडिपेंडेंट है बाकी सब इंसुलिन डिपेंडेंट आई यू रेडी फॉर द आंसर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अरे ग्लट फोर

तो ग्लट वन ग्लट टू ग्लट थ्री ग्लट फोर जिसमें से कि ग्लट फोर इज इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट है अगर वो सीक्रेट होगा तो ग्लूकोज का अपटेक होगा ठीक है लेकिन बाकी वन टू एंड थ्री ग्लूकोज इंडिपेंडेंट है याद रखना सॉरी ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है पहले तो ये नोट कर लो वन टू एंड थ्री इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लट फोर इज योर हाँ ठीक है ग्लट फोर इज और ये कहां आपका जो है देखो बेटा कहीं कहीं पे इंसुलिन की जरूरत नहीं होती बिकॉज आपको जल्दी चाहिए ग्लूकोज वहां पे स्ट्राइएटेड मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स है ना वहां पे आपको जल्दी ग्लूकोज का वो चाहिए वहां पे उस, उतना शुगर का कुछ है भी नहीं यू नो दैट दैट वे अगर हम बॉडी के ग्लूकोज लेवल की अप होने की बात करें स्ट्राइटेड मसल्स में है ना इट प्रोवाइड्स ग्लट फोर इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग द ग्लूकोज टू द स्ट्राइटेड मसल एंड ऑल्सो टू द एडिपोज टिश्यू जिन बच्चों ने ग्लट टू लिखा वो गलत नहीं है बट इट इज इंसुलिन डिपेंड इंसुलिन इनडिपेंडेंट है ना वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ठीक है ना ग्लट टू वाला जो है एंड ये आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने को हेल्प करता है लिवर को है ना बिटवीन द लिवर एंड द ब्लड एंड ऑल्सो टू द ब्रेन ऑल्सो टू द ब्रेन बट दिस इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंसुलिन से इंसुलिन पता है ना सबको पेंक्रियाज रिलीज करते हैं उसको हाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे करता है तो ओनली वन राइट ठीक है समझ आया सबको तो यू कैन इट इज लाइक यू नो नॉट टोटली चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं चलो दिस इज इजी हाँ दिस इज इजी यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन चलो शाबाश ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं <laughs> डी आंसर करेक्ट है अरे नहीं अरे नहीं डी नहीं है ढंग से देखो चलो एक अच्छे क को, कोशिश करते हैं इसको बिना आंसर देखे कोशिश करते हैं इसको नालायक हां देखो आर्टिफिशियल किडनी का क्या मतलब है लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट हां सो वी हैव आर्टिफिशियल किडनी आर्टिफिशियल किडनी मतलब किडनी ने काम करना बंद कर दिया है लड़ा जैसे कि किडनी क्या-क्या काम करती है फिर उसके साथ हाँ?

क्यों क्योंकि पोटेशियम आइन्स को तो वो बाहर निकाल देती है याद है ना आपको पोटेशियम सोडियम क्लोराइड सबको बाहर निकालती है ठीक है कैल्शियम आइन्स फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टीनल ट्रैक्ट ठीक है अब आप ये देखें किडनी क्या करती है बेटा एक्सेस कैल्शियम आइन्स को भी क्या करती है रिमूव कर देती है ठीक है एक्सेस कैल्शियम आइंस को रिमूव कर देती है राइट right? तो रिड्यूस तो इसकी वजह से क्या होगा आपका स्टमक में या गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट में कैल्शियम की एब्जॉर्बन जो है वो कम हो जाएगी फेयर पॉइंट ये ठीक है रेड्यूज आरबीसी प्रोडक्शन अब ये कैसे वैलिड है तुम्हें पता है वैसे आंसर क्या है आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी अब याद करो एक एपरेटस जक्स्ट्रा ग्लोमैरुलर एपरेटस याद आया रेनिन एंड रा सिस्टम याद आया सबको सारा सिस्टम याद आया जे जी एपरेटस जे आपको याद है यहाँ पे जे जी सेल्स होते हैं है ना दे आर जे जी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं याद है ना आपको ये एफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं याद है सबको जो कि रेनिन सीक्रेट करते हैं याद है सबको रेनिन सीक्रेट करते हैं हाँ हाँ दैट्स ग्रेट लेकिन एफरेंट आर्ट्रियोल में एक कुछ और भी सीक्रेट करता है हार्मोन जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम होता है बच्चों इरिथ्रोपोइटिन। और का काम क्या है क्या काम है बच्चों नाम बता रहा है इट हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस इथ्रोपोइसिस मींस रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन जब किडनी नहीं रहेगी हमारी तो हमारे पास जे जी भी नहीं रहेगा फेल हो गई ना हमारी भगवान भगवान हमारे पेशेंट की जब किडनी नहीं रही आप उसकी डायलिसिस कर रहे हो तो जे जी एपरेटस भी नहीं है उसके पास में ठीक है तो उसके उसके पास में हार्मोन भी नहीं है अगर ये हार्मोन नहीं है तो आरबीसी की फॉर्मेशन भी हम पर होगी इज दैट राइट ठीक है तो या ओनली सी एंड डी आर करेक्ट ऑन ए एंड बी आर इनकरेक्ट इज दैट करेक्ट एवरीबॉडी ठीक है ना तो आर आई पी आरबीसी हाँ? आर का आर आई पी हो गया अरे वाह यहाँ बिस्किट पड़ा है ठीक है ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों हाँ यार तुम कह सकते हो भाई ऐसे नहीं कहेंगे ना तुम्हारी और मेरी दोनों की लाइफ बहुत प्रीशियस है अभी बहुत कुछ करना है अभी जीवन में और क्या तुम डॉक्टर बनोगे और मैं डॉक्टर बनाऊंगी दोनों ही प्रीशियस हुए तुम भी और मैं भी बहुत अप्रीशियस एंड वैल्यूएबल हाँ चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन <laughs> अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर चलो इसी बात में अगले क्वेश्चन का जवाब दो ये करूंगी यार चलो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा फेमिलियर है जो आपकी बुक से आया हुआ है आपको आप खुश हो जाओगे इसके लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसके बाहर का है बट तुम मेरे बच्चे हो ना अगर मीनाक्षी मैम के बच्चे हो तुम ना तो तुम इसको सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को चलो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है तुमको मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है हर एक बार में मैंने नोट्स में दिया हुआ है चलो देखो इस तरफ हाँ पी डी एफ सेंड करूंगी मैं तुम्हें तो चिंता मत करू हॉर्मोन्स का भी सेंड करना है पी है ना मुझे अभी भी याद आ रहा है चलो मेरे बच्चों शबाश अफशू कह रही है मैम सी होएगा सिद्धार्थ कह रहा है मैम ए होएगा रौनक रौनक कुछ और ही कह रहा है पता नहीं किसी और ही यूनिवर्स में है मुझे लगता है ये सी आर यू श्योर आर यू श्योर सी इज अ करेक्ट आंसर क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो यार सच में सारे मैम के बच्चे हो क्या वेरी गुड हाँ वेरी गुड आओ सॉल्व करके देखे है ना मैम के बच्चे और मैम आओ बेटा तो पी वेव हमें तो ऐसे नींदों में याद हो जाना चाहिए कि पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहां लिखा है अरे वाह ये लिखा है क्यू आर एक्स डी ऑफ वेंट्रिकल्स चलो कहां लिखा है क्यू आर डी अरे ये लिखा है ठीक है टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ठीक है ये सारा बुक से है अभी तक ये सारा एनसीईआरटी से है एनसीईआरटी के बाहर से कौन है ये है ना ठीक है सो एक्चुअली वो क्या है रीपोलराइजेशन हाँ, तो आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा ना तो इसका ये होगा कोरोनरी इस्चमिया आपको पता है ये क्या होता है है ना तो इसकी वजह से कौन सा आंसर आई थिंक सी, सी आंसर बनता है हमने कर लिया सारा ये ठीक है राइट right. सब कुछ हो गया ना ये बच गया ठीक है तो एक्चुअली यहां पे क्या हुआ मैंने आपको बहुत बार बताया है इसके बारे में देखो जब कभी भी आपका एस टी सेगमेंट याद है ना आपको अगर मैं इसको ड्रॉ करूं पी वेव क्यू आर एस और टी वेव है ना पी क्यू आर एस और टी याद रखना इस बात को मैंने पहले ही बताया बिकॉज यहाँ ये तो सॉल्व करना आसान था लेकिन स्टिल एस टी सेगमेंट अगर डिप्रेस हो डिप्रेस हो जाए मतलब नीचे की तरफ को आ जाए एंड टी वेव अगर फ्लैट हो जाए तो हमको हमारे पेशेंट को एक बीमारी होगी जिसका नाम होगा मायोकार्डियल इस्टीमिया या कोरोनरी इस्टीमिया, ठीक है ना क्या बोलोगे इसके इसको कोरोनरी इस्टीमिया और मायोकार्डियल इस्टीमिया ठीक है ना इसमें क्या होता है बेटा इस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट के हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट्स हार्ट मसल्स नोट कर लेना इसको कहीं पे एंजाइना पेक्टोरिस इज द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ दिस एंजाइना पेक्टोरिस क्या है दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस क्या बेटा द चेस्ट पेन मतलब मसल कार्डियल मतलब हार्ट हार्ट की मसल का इस्चमिया इस्चमिया मींस लेस ऑक्सीजन सप्लाई लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स राइट तो याद रखना एसटी सेगमेंट अगर डिप्रेस होगा टी वे फ्लैट होगी तो जो है हमको हमारे पेशेंट को कोरोनरी इस्चमिया हो जाएगा बच्चों एक क्वेश्चन का और का आंसर दो अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है तो क्या होगा अगर एस टी सेगमेंट एलिवेट होता है ऊपर की तरफ को जाता है तो क्या होगा बिचो एस टी सेगमेंट एलिवेट कर गया तो के बच्चे रॉक्स हाँ। हाँ, 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 हाँ। अलीभा वेरी गुड अलीभा वेरी गुड ऋतुजा वेरी गुड वैष्णवी वेरी गुड मायोकार्डियल इनफाक्शन इट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन योर एनसीआर बट मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी ठीक है तो हमने सब कुछ पढ़ा है ठीक है चिंता क्यों करनी है है ना इट शुड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस है ना अगर आया भी बाहर से तो हमको पता था ठीक है मायोकार्डियल फाक्शन जिसका मतलब होता है हार्ट अटैक ठीक है क्या मतलब होता है हार्ट अटैक सो गाइस आई थिंक वेल एक्सप्लेन एंड द सी वाज़ द करेक्ट आंसर टू कूडोज टू एवरीबॉडी वेरी गुड बहुत बढ़िया कूडोज टू एवरीबॉडी ग्रेट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कॉन्ट्रसेप्टिव सहेली ये भी मैम के बच्चे हैं सब कुछ आता होगा इसको आता होगा बच्चों को ये बताओ 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 द कॉन्ट्रसेप्टिव सहेली कौन है हाँ। तो कहता है मैम बी अब कहती है मैम सी आर्यन कहता है बी क्या कहते हैं भाई जनता क्या कहती है मैम के बच्चे क्या कहते हैं बी 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 क्या बात कर रहे हो सही में हाँ क्या हाँ क्या मैं के बच्चे कहते हैं बी चलो बहुत बढ़िया तो बच्चों मैंने आपको ना एक नोट करवाया था एम -E अगर आपको याद हो तो याद है कितने बच्चों को याद है चैट बॉक्स में लिख के बताना कितने बच्चों को याद है सिलेक्टिव है ना एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिसेप्टर रिसेप्टर मॉडिफायर कहां पे यूट्रस में सहेली क्या काम करती है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है यूट्रस में एंड आई थिंक दैट एक्सप्लेन इट ऑल आई हैव आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी सीरम आर है ना तो जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे से उनको पता होगा सो इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस

क्वेश्चन नंबर छह इसमें ऑलमोस्ट सबका जो है आपको दिया हुआ है बुक में एक का नहीं दिया हुआ है बट तुम फाइंड आउट कर सकते हो इसमें सबका तीनों का दिया हुआ है लेकिन एक का नहीं दिया हुआ है बट चलो फाइंड आउट करो इसको आई थिंक इट इज दिस क्वेश्चन तुम देखो हर एक मॉक टेस्ट में यहां से एक क्वेश्चन था हर एक मॉक टेस्ट में यहां से क्वेश्चन आया था चलो चलो, चलो 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 गो 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 बच्चो शाबश डी डी चलो 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 पक्की बात है होमोहेबिलिस चलो सॉल्व करते हैं हाँ कम होती है सिक्स फिफ्टी नियन्ड्रोथ उनका हेड बहुत बड़ा था Neanderthals का नियंत्रण फोर्टीन हंड्रेड सीसी होगी होमो एक्टिस की दी हुई बुक में नाइन हंड्रेड है दी किसी की नहीं है होमोसेपियंस की होमोसेपियंस की नहीं दी है दैट इज थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सी सी ठीक है ना

और आते भी कैपेसिटी पे हैं क्रेडल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आते हैं मार्क माई वर्ड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेयर दिल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग एम आर कौन से अगर तुम उसको हटा दो हाँ बताओ रीडिंग फ्रेम किस में से चेंज नहीं होगा शाबाश जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ अच्छा ये तो सबको आता है मुझे लगता है हाँ ये सबको आता है वेरी गुड सबको आता है ये आई थिंक ये सबको आता है ठीक है hmm. सबको आता है इज इट आउट ऑफ वैसे इज इट आउट ऑफ एनसीआरटी आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना कि थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री अगर जब हम हटा देते हैं क्योंकि वो कोडोन है है ना कोड करता है एक उसके लिए तो उसको इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं ठीक है ना दिस इज नॉट फ्रॉम आउट ऑफ एन है ना आई थिंक इट इज फ्रॉम आउट ऑफ एन सी आर डिलीशन ऑफ द जी जी यू फ्रॉम सेवंथ एथ एंड नाइन्थ पोजिशन क्योंकि वो तीन है सो थ्री और द मल्टीपल थ्री एनसीआर फिंगर टिप का क्वेश्चन है ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आ जाता है एनसीआरटी फिंगर टिप बढ़िया बढ़िया बुक है hmm. नहीं आई हैव पर्सनली रिकमेंडेड दैट है ना बहुत बच्चों को मैंने रिकमेंड की हुई है एनसीआर टी फिंगर टिप यस ठीक है ना सो द रीडिंग फ्रेम विल नॉट चेंज बाई द डिलीशन ऑफ जी जी यू है ना ठीक समझ आ गया सबको दैट्स ग्रेट दैट ग्रेट तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको इसके बेसिस पे और क्वेश्चन भी आ सकता है ठीक है चलो क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर है? बताओ ये तो हमने अभी भी सॉल्व किया है।, है ना नीट क्वेश्चन अरे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा ये सारे के सारे हमारे पास प्रीवियस एयर क्वेश्चन है ठीक है हाँ हाँ शाबाश हाँ सो दिस इज गिवन है ना आई नो आई नो एवरी ऑफ यू नो द आंसर द आंसर इज सी ओनली इट इज विटामिन ए कैरोटीन पिगमेंट होता है बट इट इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेफोडिल इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेफोडिल हाँ ठीक है तो ये जो है आई थिंक डेफोडिल वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारी एनसीआरटी में मैंशन नहीं है बेटा मैं पी डी एफ डालती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है नीट विद मीनाक्षी मैम ढूंढ लेना आप है ना तो इंस्टाग्राम के बायो में भी दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो ठीक है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बढ़िया वेरी गुड तो आपने देखा होगा गोल्डन राइस में हमने मॉक टेस्ट में भी सॉल्व किया था उसमें भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज फाइव लीटर ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टो डायस्टोल इज हंड्रेड एम एल एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फिफ्टी एम एल ये न्यूमेरिकल इजमेरिकल चलो सॉल्व करो इसको सी सी गलत आंसर है दिस इज अरिकल सॉल्व इट कम हा कम कमान कमान तुमको मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक तो जो भी मैम के बच्चे उनको पता है कि फॉर्मूला है इज 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 डी याद है चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको आ जाओ जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं आपने क्लास नहीं लगाई कुछ कर तो सकते हैं, नहीं है अभी हमारे हाथ में जो है अब वही कर सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ चलो आप हमारे पास देखते हैं कि देखते हैं। देखो बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है

आउटपुट आई थिंक दिया हुआ है कार्डिक आउटपुट दिया हुआ so, जो है, हमारे दिया हुआ हुआ है, है है, है है, ना? जो जो हमारे हमारे पास पास दिया दिया तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कह सकते हैं ऐसे कि नहीं कह सकते हैं ना अब लेट आउट स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है द ब्लड पुश्ड वेंट्रिकल इन पर बीट हर एक बीट में हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड जो है वो पुश कर रहा है अब हम नॉर्मली ये सत्तर एम होता है लेकिन हमारे पास डेटा दिया हुआ है हम यहां से निकालेंगे लेट जस्ट सी दैट द ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज हंड्रेड एम एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल इज फिफ्टी एम तो हम क्या करेंगे बेटा डायस्टोल को डायस्टोलिक को माइनस कर देंगे सिस्टोल से माइनस कर देंगे ठीक है तो ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा आ जाएगा ना हमें पता चल जाएगा कि, कि how much blood is pushing in one beat. चलो ठीक है। है? तो क्या है? 100 minus 50. तो क्या कितना हो गया 50 ml हो गया गया। बेटा? यहां तक सबको समझ में आया ठीक है? तक सबको समझ में आया? अब वापस चलते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। हमको क्या चाहिए था हार्ट रेट चाहिए था ठीक है अब हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी आ गया लेट दैट इन फॉर्मूला चलो इसको फॉर्मूला पे रखते हैं तो हार्ट रेट को हमने अगर इस तरफ रखा देन कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम दैट थाउजेंड एम एल अपॉन हो गया नॉर्मल मतलब नहीं है, है ना या कुछ फास्ट चल रहा है या एक्सरसाइजिंग कर रहा है तो हंड्रेड बीट्स पर मिनट बिकॉज नॉर्मल बीट्स कितनी हो होती है है टू पर यहां पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हुआ ठीक है डन हंड्रेड बीट्स पर मिनट सो दैट्स हाउ यू सॉल्व इट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट ठीक है पीडीएफ अभी क्या पीडीएफ नहीं है ऐसा करती हूँ अभी पहले टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देती हूँ फिर करती हूँ है ना क्वेश्चन ऐसी बातें कर रहे तुम है बेटा क्लास के बाहर डालते हैं है ना क्लास के बाद डाला जाता है पीडीएफ है ना पहले आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है फिर उसके बाद पीडीएफ मिलता है ना <laughs> मैम मैंने चेक कर लिया उधर तो पीडीएफ नहीं है अबे ऐसा करती हूँ फिर पीडीएफ बना बना के तुम्हें डालती हूँ सीधा है ठीक है बेटा बाय के डेली क्लास का टाइम यही है चलो अच्छा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पढ़ो पहले है ना पहले बड़े क्वेश्चन को देख के ऐसे ना सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है तुम्हारी अबे कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया लाइक स्पीशीज द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न रेंजेज फ्रॉम टू टू फाइव के जी नाइनटी सेवन परसेंट ठीक है एवरेज वेट था साढ़े तीन किलो के आसपास सरवाइव यी नाइन परसेंट ऑफ द इनपोर्न विद वेट्स टू 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 पॉइंट फाइव के जी और वन पॉइंट फाइव टू फाइव के जी डाई कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है इसमें आर यू श्योर आर यू श्योर है क्या डी चल रही है नहीं नहीं यार सी चल रही है क्या बात कर रहे हो डी सी चल रही है देखिए ड्रॉ करके देखते हैं तो हमारी नेचुरल सिलेक्शन तीन तरीके की होती है आपकी डिसरप्टिव डायरेक्शनल या स्टेबलाइजिंग आओ जरा देखते हैं कि इसने कहा कि बच्चों बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 से 5 के के बीच में 97% सेवन परसेंट न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट ऑफ तो मान लेते हो कि एक किलो दो किलो तीन किलो चार पांच किलो है ना पांच किलो तक ही है ना

ग्राफ रिजेंबल विद योर स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ठीक है देखो तुम्हें पेपर में आई नो टाइम की कमी होती है लेकिन मेक श्योर द आंसर विच यू आर करेक्टिंग इज गोइंग टू गिव यू फोर मार्क्स ठीक है स्पीड मैटर करती है बट एक्यूरेसी भी मैटर करती है तो जल्दी जल्दी में गलत मिल करके आना कर लेना अगर तुमको पता है ना फिर भी फिर भी ये बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ग्राफ न्यूमेरिकल्स उसको ना तुक्का मार के कभी मत करके आना या फिर दिमाग में कैलकुलेट करके कभी मत करना मैं बता रही हूं बिकॉज होता बदे क्या है एड्रीनलिन रश इतना ज्यादा होता है ना बॉडी में समझ नहीं आता उस वक्त कौन सा अगर अगर कोई लर्निंग है ना तो तो वो सही है या गलत है ठीक है हो जाएगा लेकिन अगर कुछ आपको सॉल्व करने के लिए आया है बेटर यू ड्रॉ इट ठीक है बेटर यू ड्रॉ इट मतलब माई पर्सनल एडवाइस इज दैट ठीक है एक क्वेश्चन आपका रैंक बना भी सकता है बिगाड़ भी, भी सकता है है ना रिस्क आए को लेना है फिर है नास्ट फिर में ये दुख ना हो कि यार एक नंबर से रह गए दो नंबर से रह गए ऐसा कर लिया होता ठीक है या तो रहो तो फिर अगर पंद्रह बीस पच्चीस नंबर से रहो ठीक है लेकिन एक एक दो दो नंबर के जो दुख होता है ना वो बहुत बुरा होता है फिर ठीक है तो ऐसा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है ये क्या है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन तो टाइम ले लेना कर लेना इसको ड्रॉ कर लेना अपना स्पीड उस हिसाब से बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द हॉर्स ये ऑर्डर ऑफ द हॉर्स जो है वो कौन इसको रिप्रेजेंट करता है चलो शाबाश हम्म बताओ 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 वेरी गुड सिसोदिया बी रितिक ब्लॉग्ड अच्छा ये आंसर लिख रहा है तू बेटा वैष्णवी बी सुनेहा बी रिया पाठक बी बी आर यू श्योर तुम थोड़ा तो रट लिया ये बताओ <laughs> रट लिया तुमने यहाँ रट लिया है तुमने तो चलो ठीक है पेरिसोडिकटाइलस करेक्ट आंसर है इसका याद कर लो वैसे एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन फिर भी आ गया पेपर में क्या कर सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी था तो क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्स क्या होती है बेटा किंगडम कौन सा है किंगडम है एनिमिलिया किंगडम है एनिमिलिया फाइलम कौन सा है फाइलम है कॉर्डेटा कॉर्डेटा ठीक है क्लास कौन सी है कौन सी बच्चों क्लास मैमिलिया ठीक है ना कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक की ऑर्डर क्या है ऑर्डर है पेरिसो डेटाइला पेरिसो डेक्टाइला क्या होते हैं उसके जो पंजे होते हैं ना ऐसे वो करके उसको एनी वे चलो की पॉट्स फैमिली फैमिली क्या है इक्विडी e है ना फैमिली होती इक्विटी होगी है ना जीनस इक्वस ठीक है जीनस इको स्पीशीज बहुत सारी होती है इसकी स्पीशीज की बहुत सारी फॉर एग्जांपल कबालस फेरस स्पीशीज है इसकी तो दिस इज द आपकी क्लासिफिकेशन किंगडम एनी मिल लिया फाइलम कॉर्डेटा क्लास में मिल लिया ऑर्डर पेरिसोडिटाइला फैमिली इक्यूडी जीनस इक्विस डन डन एंड डस्टेड शू चलो सो दैट इज दैट इज द करेक्ट आंसर आई होप यू हैव सीन दैट तो ऐसे जो आई थिंक ऑलरेडी रिपीटेड है वैसे तो बहुत कम करता है वो बट एन टी लेकिन खैर तुमको चॉइस भी है कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि फ्रॉग और अर्थवॉम पढ़ना है मर्जी है तुम्हारी बिकॉज यू विल हैव फाइव चॉइस ऑफ क्वेश्चन ठीक है मेरे को अगर तुम पूछोगे तो मैं तो तुमको ये बोलूँगी कि भाई अभी नहीं पढ़ाना अभी तक तो मत पढ़ना ठीक है बिकॉज नया कॉन्सेप्ट दिमाग मत घुसाना एनी वेज जो है फाइव क्वेश्चन का चॉइस है यू कैन लीव इट और पाँच के पाँच क्वेश्चन आपको कभी फ्रॉग इस पे अर्थवॉम पर नहीं आएंगे दैट इज़ फॉर श्योर ठीक है सो इट डोंट जस्ट यू नो रन ब्लाइंडली बिहाइंड बिहाइंडी इज डूइंग इट इट आई विल डू इट नो अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम अपना पढ़ो यू हैव अ फाइव क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि तुम नंबर छोड़ के आ रहे हो अपने ठीक है रिलैक्स अपने हिसाब से डिसीजन लिया करो अपने लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल है ना लिविंग फॉसिल कौन सा नहीं है इसमें चलो और चलो 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 हाँ अब तो सबको आता होगा ये सबको आता होगा ये सबको आता है क्या? है ना आर्कियोपेटेरिक्स रामायण का माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जटायु सो आई ऑलवेज कंपेयर हैड अ टूथ टूथ था लेकिन इट हैड बीक पंख थे उसके लेकिन नेल्स थे आगे राइट सो लाइक दैट सो इट इज कोर्स किंग क्रैब आपका है ना आपका वो राइट सो ये सारे के सारे लिविंग फॉसिल है जिस मेरे प्यारे बच्चे को मुझ जैसे जब मैं अपने क्लास ट्वेल्थ मुझे पता नहीं लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है लिविंग फॉसिल का ये मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा ढीठ है ये ना सदियों से सुधरा नहीं है जैसा ये हजार पचास मतलब कि पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ है ना साल पहले दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं आया इसमें ना किन में ना पेरीपेटस में दैट इज कॉल्ड इज लिविंग फॉसिल ढीट है ढीट है नहीं सुधरेगा कितने गालियां खाली नहीं कि नहीं सुधरा ऑन द अदर हैंड इज कंसिडर टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेपटाइल्स एंड बर्ड्स राइट ये बहुत ही कम समय के लिए था लेकिन यह था मतलब इसका एक फॉसिल मिला था बढ़िया सा आपको पता है सो दैट इज कम इज कम इट इज नॉटिंग सरवाइव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओके ठीक है ना हाँ ये ढीट लिविंग फॉसल मतलब सात में क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्वेश्चन What is true about Neeri's scorpion, cockroach, and silverfish? Those are hmm. ah, shabash, shabash, shabash. Ah. What is true about Neeri's scorpion, cockroach, and silverfish? Come on. Hmm. Shabash. Ah, 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 ah. A, B, C, or D. हां हाँ जी बच्चों सो इज इज अबाउट ए डॉर्सल हार्ट बिल्कुल सही जवाब नीर स्कॉर्पियन कॉकरोच एंड सिल्वर फिश देखो फर्क होता है सिल्वर फिश आई थिंक सिल्वर फिश का नाम नहीं है कहीं पे भी नीर है आपका एनिलिड स्कॉर्पियन है आपका आर्थ्रोपॉड कॉकरोच भी आपका आर्थ्रोपॉड और सिल्वर फिश क्या है बच्चों फिश क्या है सिल्वर फिश क्या है वॉट इज सिल्वर फिश लिखो लिखो जो है बॉक्स में लिखो सिल्वर फिश क्या है इकैनो है ना नहीं नहीं, नहीं सिलेंड्रेट है ना ये आर्थ्रोपोडा दीमक जिसको हम कहते हैं दीमक दीमक आर्थ्रोपोड

डन चलो चलो भाई बच्चों वेरी गुड क्वेश्चन नंबर आपका है दिस इज uh, आपको करेक्ट ऑप्शन जो इसमें से निकालना है आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से है जब आया होगा उस वक्त पे शायद में शायद एनसीआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं होगा बट यू कैन सॉल्व इट गो है ओनली एक का जो है ना सिर्फ बुक लंग्स का नाम दिया हुआ है आपके उसमें लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं दिया है so that way we can say कि चलो ये में लिखा नहीं हुआ था ये लेकिन बाहर से आ गया चलो आ, चलो 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 आ, चलो सॉल्व करते सो so बच्चे अगर आप लोग अपना खोलो खोलोगे तो उसमें ग्रिगेरियस पेस्ट लिखा हुआ है टाइम पे एक टिड्डी दल आया था बहुत ज्यादा

बट ये मेंशन नहीं किया है कि बुक लंग्स किसमें होते हैं सो स्कॉर्पियंस ठीक है बुक लंग्स किसमें होते हैं स्कॉर्पियंस होते हैं ठीक है राइट right. ठीक है ना बच्चों है ना पंजाब में आए थे हाँ ठीक है पंजाब में आए थे यस 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 ठीक है दो दैट इज दैट सो इसका सही आंसर होगा बेचा आपका बी बी वुड बी द राइट आंसर ठीक है डन चलो हम्म hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ऑन लैंड चलो शाबाश कौन आपका जो है कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट्स का लैंड पे आने का आपको पता निक थे ये गो ऑन गो ऑन शाबाश सेगमेंटेशन ना नहीं बायोलिट्रिकट्री बायोलिट्रिक ियल सिमेट्री आपको पता है ना जो आपकी रेडियल थी, सिमेट्री 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 थी का का रोल रोल क्या है सिमेट्री का रोल था खाने पीने में स्पॉन्जेस बहुत ही ज्यादा आलसी थे एक ही जगह पे रुकते थे इसलिए उनकी कोई सिमेट्री नहीं थी जो आया खा लिया फिर रेडियल सिमेट्री हुई कि इधर से भी आया इधर से भी आया सारा खा लिया उसको लगा यार अभी भी गुजारा नहीं हो रहा जो मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है फिर उसने बायलैटरल सिमिट्री दी थी लोकोमोशन के लिए सिमिट्री का यूज होता है लोकोमोशन के लिए इसलिए बायलैटरल सिमिट्री सबसे ज्यादा सुपीरियर है लेकिन ये रीजन नहीं है रीजन क्या है रीजन है बच्चों वेरी गुड सलोनी एंड करिपा बी लिख रहा है नहीं बेटा एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन आपको पता है बेटा हां द आंसर इज एक्सोस्केलेटन दैट इज करेक्ट क्योंकि इससे पहले एम्फीबियंस थे है ना Uh, नहीं इन्फीबियंस थी वो तो खैर एम्फीबियंस का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंसेक्ट्स ऑनली है ना तो इंसेक्ट्स से इससे पहले जो भी थे बारे आपके मोस्टली एक्वाटिक थे या उनकी मॉइस स्किन रहा कर दी थी अब जब प्रॉपर टेरिस्ट्रियल हो गए बच्चे वो ठीक है ना बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रहने लग गए वो तो उनको डर था कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो डेसिकेट ना हो जाए हमारे अंदर का जो बॉडी फ्लूड है डेसिकेट ना हो इसलिए उन्होंने हार्डेस्ट like, लाइक हार्ड सब्सटेंस दैट इज एक्सोस्केलेटन की क्या की अपने ऊपर कवरिंग कर ली राइट right? ठीक है ना तो दैट वॉज थिंग विच एक्चुअली टूक टू द लैंड फ्रॉम द बॉडीज क्यों अपने बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स को फ्लूकेट होने से बचाना ठीक है ठीक है सो दैट वॉज इट हा आई थिंक ये भी एनजीआर में नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर

Pices हो गई ठीक है कटल फिश नो नो कटल फिश इज योर सीपिया मोलस्का नहीं है सिल्वर फिश आपकी आर्थ्रोपोडा नहीं नहीं है तो को नहीं है है तो तो को ठीक ये दो आर्थरो आउट हो गए सेंटीपीड मिलीपीड स्पाइडर स्कॉर्पियन सेक्टा आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे कि ए और बी में से कुछ गलत टाइप करके आएंगे देखो बच्चा सेंटीपीड मिलीपीड स्पाइडर एंड आपके जो स्कॉर्पियन है ऑल ऑफ देम आर आर्थ्रोपॉड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबके सब आर्थ्रोपोड हैं याद रखना एक बात को हा बट डिफरेंस इज इज द क्लास इज नॉट इंसेक्टा स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन की क्लास होती है आपकी एरिक क्या है Arachnidia. है ना स्पेलिंग में एग्जाम्पल है ठीक है ना सेंटीपीड और मिलीपीड की जो है आपकी मिलीपीड की जो होती है आपकी डिप्लोपोडा होती है उसकी होती है काइलोपोडा सेंटीपीड की होती है काइलोपोडा एंड मिलीपीड की होती है आपकी डिप्लोपोडा ठीक है दैट इंसेक्टा जो है क्लास वो हाउस फ्लाई बटरफ्लाई सेक्सी फ्लाई सिल्वर फिश ये सारे क्लास इंसेक्टा के हैं द लार्जेस्ट क्लास तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को इसलिए सबसे बड़ा फाइलम बोला जाता है इसमें और सारी फाइलम है, जैसे मैंने आप, आपको बताया जैसे कि और भी हैं जैसे कि काइलो मैंने आपको बोला आपको मैंने डिप्लोपोडा बोला एरिक्नोडा एरिकनोडी ने दिया बोला ठीक ठीक so, है 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 सो लेकिन आपके ये जो हो हो जाता जाता यार बच्चों जाता, क्या करें हम ना <coughs> so, है ना तो करेक्ट आंसर आपका बी ट्विस्टर जैसे नाम है यार इसके ट्विस्टर जैसे नाम है क्या करें फिर हो जाता है ऐसा ठीक है बच्चों तो ऐसा है ना तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अभी चलो बाद बात कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे है? 17 बच्चों पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरीपेटस किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है शाबाश तीन क्वेश्चन बचे हमारे पास हाँ <laughs> हाँ आ रे आंचल वही तो हा बी ये तो सारी दुनिया को पता है ना अभी सबको पता चल गया ये हा राइट हम्मेटस पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में connecting link है बच्चा? उसमें कुछ character कुछ के के हैं और जो है आपके वो character है. ये याद रखना है है? इस बात को आप, ठीक याद करने वाली चीज है ये. और क्या खासियत है की? अदर स्पेशलिटी बॉट द पेरीपेटस हाँ वट इज अदर स्पेशलिटी ऑफ द पेरीपेटिस अभी भी पढ़ा हमने अभी भी पढ़ा हाँ ने अभी पढ़ के आए हैं हमारी चैट थोड़ी सी मुझे स्लो है लिविंग फॉसिल वेरी गुड विधि मिश्रा के लिए तालियां हो जाएं वेरी गुड विधि वेरी गुड विधि लिविंग फॉसिल है अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग हाँ वेरी गुड वेरी गुड ठीक है सो क्वेश्चन नंबर एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देर रेप्टिली इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बर्ड्स का जो कि रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो करता है शबश चलो रेप्टिलियन <coughs> एंसेस्ट्री को कौन शो करता है कि जो रेप्टाइल से बढ़े आ गए वेरी गुड पहला है ना ए है ना है ना क्रॉप गिज़र्ड स्टोरिंग द फूड कटिंग द फूड कमान 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 पर्पल ओशन सी आचल सी नवदीप सी प्रकाश सी दीप्ति सी अरे वाह नकल मार हो तुम एक दूसरे की हाँ हाँ चाल तो नहीं चल रहे हो सो so बच्चों रेप्टाइल्स के बॉडी में स्केल्स हुआ करते थे फॉर द सेम रीजन दैट दे हैड टू प्रोटेक्ट देअर बॉडी फ्रॉम डेसिकेशन डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए खुद को अब जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो उनके भी और द यू नो हाइंड हाइंडलिम्स पे जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं हालांकि कोई रोल नहीं है उसका बट एक्चुअली इट इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो शो करते हैं स्केल्स ऑन द हाइंड हाइंडलिम्स ऑन द बर्ड्स ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स ठीक है याद रखना है इस बात को. फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट चलो शाबाश बताओ करेक्ट ढूंढना है आपको करेक्ट चलो शाबाश हाँ

आठ टेल्स होते हैं यार स्कॉर्पियन की तो सॉरी ऑक्टोपस की तो <laughs> जो मैंने पिछले दो मिनट में बोला वो सब झूठ है ठीक है ना स्कॉर्पियन एक्सेप्शन है ना ऑक्टोपस की एनल टेल होती है उसके वो आर्म्स होती हैं सिफेलोपॉड आर्म भी नहीं फीट होते हैं सिफेलोपॉड कहते हैं उसको वहां सिफेलो मतलब ब्रेन से उसकी पॉड फीट निकलते हैं गलत है द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच मैंने आपको एक ना मेमोनिक बताया था मेमोनिक क्या है मेमोनिक है वीडीएस वीडीएस मेमोनिक बनाया था मैंने आपको वीडीएस है ना क्या बोला था वी डी एस बच्चों वैदिक धर्म संस्थान मतलब आई लॉन्ग बैक मतलब मैं एक, एक नाम सुना था तो उसके बेसिस पे तो वी मतलब क्या है वेंट्रल डी मतलब क्या है डबल और एस क्या है सॉलिड ये क्या है बच्चों ये है नर्व कॉर्ड जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट होंगे ना उनकी नर्व कॉर्ड यही होगी इनवर्टिब्रेट्स इनकी जो है नर्व कॉर्ड वो यही होगी वी डी एस हमेशा याद रहेगा तुमको ठीक है इनवर्टिब्रेट्स वेंट्रल डबल सॉलिड इसका उल्टा अगर तुमको मैं बोलूं कि बेटा तू ना वर्टिब्रेट की निकाल दे चल शाबाश चलो वर्टिब्रेट की निकालो तो तुम सब कुछ इसका उल्टा कर दोगे कैसे वेंट्रल को वेंट्रल का उल्टा क्या हुआ डॉर्सल तो हमारी नर्व कॉर्ड क्या है डॉर्सल ठीक है स्पाइनल कॉर्ड है डबल की जगह सिंगल ठीक है हमारी सिंगल है एक ही है सॉलिड सॉलिड नहीं है हमारी सॉलिड की जगह क्या है हमारी हॉलो हॉलो है हॉलो मतलब खाली एकदम सो so ये हमारे वर्टिब्रेट्स की है उल्टा देखो तुम्हें तो एक चीज से दो कॉन्सेप्ट याद हो गए तुम कभी तो गलती नहीं करोगे वीडीएस लिखना ये इनवर्टिब्रेट्स का इसका उल्टा लिखना ये वर्टिब्रेट्स का हो गया है ना कितना स्ट्रेस हो कितना ही टेंशन हो आपको एग्जाम में ऐसे जो मेमोनिक्स होते हैं ना वो हमेशा आपको हेल्प करते हैं ठीक है ठीक है बच्चों है ना बाकी नहीं वेंट्रल हार्ट पागल हो गया हो क्या स्कॉर्पियन का वेंट्रल हार्ट कहां से आ गया <laughs> बिच्चो का वेंट्रल हार्ट है डॉर्सल होता है उसका हार्ट द लास्ट नॉट लीस्ट क्वेश्चन तीनों में ढूंढने हैं. Right? नहीं, है Julius, है हाँ, scientific नहीं है 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 ना? ना? इसका. याद करने की जरूरत शाबाश, शाबाश, शाबाश. करेक्ट आंसर आज इंस्टाग्राम पे वीडियो देखना है मीनाक्षी में पे? हाँ? वीडियो डालूंगी मैं लेट नाइट डालूंगी बारह से एक बजे के बीच में हाँ, बताओ. तीन कॉमन कैरेक्टर्स दैट इज एग्जैक्टली ऑल थ्री ऑफ देम आर एंड पॉड्स मीन्स फीट ठीक है तीनों के तीनों हैं इसलिए ये तीनों इसके कॉमन कैरेक्टर हैं जॉइंटेड लेग्स काइटीनियस एक्सोस्केलेटन ओ यस एकदम सही ग्रीन ग्लैंड ने ग्रीन नहीं है वो क्रैप के वो होते हैं, आ, होते हैं वो भी नहीं। बच्चे आपके ये सारे के सारे आपके इसके कैरेक्टर्स हैं बॉटनी का भी ऐसे ही होंगे क्या हाँ बॉट bot... मतलब नेक्स्ट टाइम एक और सेशन लूंगी मैं एक्सेप्शन पे ऐसा करो इस वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में ना Uh, तुम मेरे को बताओ कि तुमको क्या चाहिए दिस सेशन है ना मेरे खुद के दिमाग में भी था बहुत टाइम से पर लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बेटा तो होता नहीं है दिस सेशन वॉज सजेस्टेड बाई वन ऑफ द चाइल्ड सो अ शाउट आउट टू हिम ठीक है महेंद्र महेंद्र ने कहते ऑल थैंक्स टू महेंद्र ठीक है ना फॉर उसने मुझे फोर्स किया बार बार की इंस्टाग्राम पे दैट मैम ये वाला सेशन लो एंड द इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अमेजिंग आइडियाज़ सो डू ड्रॉप मी अ मैसेज आइदर ऑन दिस इस कमेंट सेक्शन में करना या फिर इंस्टाग्राम पे करना यू कैन फॉलो मी एन इंस्टाग्राम आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बिकॉज यू नो आपको काफ़ी काफ़ी आपके काम की चीज़ें मिलेंगी आप जाओ एक बार जहाँ के देखो वहाँ पे मीनाक्षी मैम बायोलॉजी ठीक है ये आप मुझे वहाँ पे मिल सकते हो ये इंस्टाग्राम आई डी मेरे ठीक है और M &M. M &M के नाम से ढूंढोगे तब भी मिल जाएगा मीनाक्षी एंड मोटिवेशन ठीक है सो ये आप आप जरूर देना जो भी बच्चों क्योंकि यू नो आई ऑल्सो थिंक बट यू नो समाइम्स क्या होता है कि आप जो सोच रहे होते हो मे बी यू नो दैट इज फ्रॉम योर परसपेक्टिव ऑल्सो सो so, बताना मुझे वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए मे बी अगर थ्री फोर फाइव पीपल विल से जैसे सेम थे उसका मैंने इसलिए मान लें बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट जैसे अभी मैं एक्सेप्शन के बारे में सोचू कि लेट जस्ट टेकन सेशन फॉर एक्सेप्शन अगला सेशन मोस्टली एक्सेप्शंस का होगा आपका बिकॉज एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में राइट सो थैंक यू सो मच एवरीबडी और जाने से पहले बच्चों आज का जो हमारा uh, यू uh, नो you know, एक बहुत ही बड़ी न्यूज है आपके लिए द प्राइस ऑफ द क्रैश कोर्स हैज बीन ड्रॉप्ड है ना प्राइस ऑफ द क्रैश कोर्स टू थाउजेंड पे आ गया है आई थिंक इट वॉज ऑन एट थाउजेंड एट थाउजेंड खाली टू थाउजेंड पे आ गया है ये ठीक है hmm. और बच्चों एक और बात है दैट इज आपका ये जो बैच है नया फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी एट जून से ठीक है तो इसमें आपको 20 दिन जितने भी बचे हैं आपके तो सारा आपका जो है सिलेबस एक क्विक क्विक मतलब क्विक होगा एंड असाइनमेंट्स भी होंगे और ये भी होंगे अगर आप कुछ चाहते हो कि मुझे एक लास्ट मिनट देनी है अपने को इस बैच में जाके बैठ जाओ ओनली टू थाउजेंड लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया बेटा आपको ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मैम का कूपन कोड अप्लाई करोगे एम एस प्रो ठीक है एमएस प्रो कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा ठीक है ये देखो आपके थर्टीजोलॉजी के सेशन होंगे थर्टी बॉटनी थर्टी फिजिक्स एंड थर्टी केमिस्ट्री होगी रिकॉर्डेड होंगे बट एक क्लास टीचर लाइव बैठा होगा उसमें ठीक है बच्चों लाइव डाउट सपोर्ट मिलेगी सुबह से शाम आपके डाउट ऐप पे और क्लास में क्लास टीचर से ठीक है तो इम्प्रूव योर ए आई आर विध टेन पार्ट टेस्ट एंड टेन फुल टेस्ट आपके इसमें होंगे तो दैट यू कैन डू सो आपकी कॉन्सेप्टअल अंडरस्टैंडिंग जरा सा भी थोड़ा सा रह गया तो यू कैन ब्रश इट अप ठीक है ना इफ़ यू फील लाइक यू कैन गो तो आप ये देख सकते हैं आपका ये जो स्केड्यूल है आपके साथ शेयर भी हो जाएगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपके साथ ही आपका स्केड्यूल है ठीक है सो so ये ठीक है सो ऑनली टू ओके दैट इज इट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना एंड एम सी क्यूज फिजियोलॉजी के भी करेंगे सो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में डालना वॉट डू यू थिंक शुड भी द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ब्रिंगिंग एक्सेप्शन द होल बायोलॉजी फिजिक्स सॉरी नॉट फिजिक्स फिजिक्स बड़ा नाम है बायोलॉजी द बॉटी बुथ ठीक है थैंक यू सो मच एवरीबाडी मिलते हैं बाय बाय पी डी एफ टेलीग्राम ग्रुप पे ओके बाय